हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी संरचना के बारे में और उनके कार्यों के बारे में आज हम समझेंगे, जिसमें हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज। प्लाज्मा झिल्ली जो है उसको सबसे पहले कार्नेगेली और सी क्रेमर, कार्नेगेली और सी क्रेमर, इन्होंने सेल मेम्ब्रेन कहा और जेक्यू प्लोव ने प्लाज्मा लेम्मा नाम दिया था। रॉबर्टसन ने इसे यूनिट मेम्ब्रेन कहा। हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं वो वास्तव में कोशिकाओं की बाहरी बाउंड्री है, जो एक पतली प्रत्यास्थ और चयनात्मक पारगम में झिल्ली से बनी है। ये एक जीवित संरचना होती है, यही सेल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ हम इन चीज़ों को समझेंगे कि चयनात्मक पारगम्यता क्या चीज़ है। चयनात्मक पारगम्यता का तात्पर्य है कि एक ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु आराम से अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति कर पाते हैं, लेकिन विलेय के अणुओं को चयन करके ही झिल्ली को पार करने की अनुमति दी जाती है। तो चयनात्मक पारगम्यता का अर्थ हमें समझ में आ गया कि अर्ध पारगम्य झिल्ली तो है ही, ये प्रत्येक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली अर्ध पारगम्य भी होती है, अर्ध पारगम्य भी होती है। अर्ध पारगम्यता का मतलब हम समझते हैं, क्या है अर्ध पारगम्यता? अर्ध पारगम्यता का मतलब है कि विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति कर सकें। तो विलायक के अणु तो इस झिल्ली में चार पार जाएंगे, लेकिन चयनात्मक होने का तात्पर्य ये है कि विलेय के अणु भी झिल्ली में अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर या कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जैसी आवश्यकता महसूस हो वैसी गति कर सकें। लेकिन सभी विलेय के अणु नहीं, केवल चयन किए गए ही विलेय के अणु ऐसा कर पाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझने के लिए अनेक मॉडल दिए गए, जिसमें एक बायोमोलिकुलर लिपिड मॉडल जो दिया गया बायोमोलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल यह गार्टर एंड ग्रेंडल के द्वारा दिया गया था। इसके बाद एक सैंडविच मॉडल दिया गया जिसे ट्राइलेमिलर मॉडल भी कहते हैं, यह डेनियली और डेवसन के द्वारा दिया गया था। एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्टसन, उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। फिर इसके बाद चौथा जो मॉडल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है, फ्लूइड मोजेक मॉडल, जो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। तो हम एक एक करके इन सभी मॉडल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी संरचना को समझें, प्लाज्मा झिल्ली के सभी मॉडल्स को समझें। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई किसकी है। प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड की बनी हुई एक संरचना है। इसके बारे में हमें जानकारी मिल गई थी एक जो शुरुआती वैज्ञानिक थे ओवरटोन, उनके द्वारा बताया गया कि प्लाज्मा झिल्ली लिपिड की बनी हुई संरचना है। अब लिपिड भी कैसा, लिपिड के बारे में स्पष्ट किया गया फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में एक क्वालिटी होती है कि उस लिपिड का जो पूरा मॉलिक्यूल है उसकी संरचना को हम देखें तो उसकी जो टेल, ये वाला हिस्सा टेल कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा हेड है। इसके टेल वाले सिरे की तरफ देखने पर हमें पता लगता है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल से बने हैं जो नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर होने का मतलब क्या हुआ? नॉन पोलर होने का मतलब हुआ कि वो उनमें ध्रुवता नहीं है, अध्रुवीय है। और जो इसका हेड है ये पोलर होता है, तो पोलर होने के कारण इसमें क्या मिलेगी, इसमें ध्रुवता मिलेगी। रसायन विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि समान समान को घोलता है, उसी अनुसार जो नॉन पोलर सिरा है वह नॉन पोलर हिस्से में मिलना पसंद करेगा, और जो पोलर हिस्सा है वह पोलर मतलब ध्रुवीय पदार्थों के साथ रहना पसंद करेगा। तो जो पोलर हिस्सा है, जो हेड है, वो जल स्नेही होता है, क्योंकि पानी क्या होता है,
पानी ध्रुवीय होता है, और इसकी जो पूंछ वाला हिस्सा है टेल जिसे बोला गया है, यह जल विरोधी होता है। तो इतनी बात हमने समझ ली, अब हम देखते हैं इसकी संरचना को कि इस प्रकार की व्यवस्था होने के कारण जो कोई भी कोशिका है, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है यहाँ से लेके यहाँ तक, और बीच में ये पूरा एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ है। उसमें हम देखेंगे कि कोशिका के बाहर भी पानी मिलेगा, पानी है, और कोशिका के अंदर की साइड में भी पानी है। ये प्लाज्मा झिल्ली बाउंड्री है, प्लाज्मा झिल्ली ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्लाज्मा झिल्ली है जो बाउंड्री की तरह कार्य कर रही है। हम देखेंगे, देख रहे हैं इसमें कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को देखते हैं कि इसके जो टेल वाले हिस्से हैं नॉन पोलर होते हैं और जल विरोधी होते हैं। ये आपस में एक दूसरे की तरफ यदि ओरिएंटेड हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है। और जो हेड वाला हिस्सा है, जो जल स्नेही होता है, वो जल की तरफ हो गया, इधर हेड वाला हिस्सा जल की तरफ हो गया। इसीलिए जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है उसकी जो पोजीशन है वो इसी प्रकार की हो सकती है। तो इसी प्रकार की संरचना हमें देखने को मिलेगी, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो मॉडल दिया गया था वो गार्टर एवं ग्रेंडल के द्वारा दिया गया, और उन्होंने बताया कि जो इरिथ्रोसाइट सेल्स हैं उनमें कोशिका कला लिपिड की द्वि-आण्विक परत की बनी होती है। अब क्यों बनी होगी, हमने इसके बारे में बात कर ली, जिसमें ध्रुवीय सिरा जो हेड वाला सिरा है वो बाहर की तरफ, अध्रुवीय सिरा अंदर की तरफ व्यवस्थित होकर द्वि-आण्विक परत बना रहे हैं, ये हमने अभी इसको इसके बारे में समझा है। तो ये गार्टर और ग्रेंडल का मॉडल था और उसमें इसी प्रकार की व्यवस्था को समझाया गया है। तो ये जो पहला मॉडल गार्टर और ग्रेंडल का है, इस पे हमें समझना होगा, इनके मॉडल का नाम बायोमोलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल है। और जो दूसरा मॉडल दिया गया डेनियली एवं डेवसन के द्वारा, इनके मॉडल को सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिलर मॉडल भी कहते हैं। सैंडविच क्यों कहा गया, इनका कहना ये था कि बाहर की साइड में प्रोटीन की एक लेयर है, अंदर की साइड में प्रोटीन की एक लेयर है, और बीच में जैसे यदि आपने सैंडविच खाया हो तो ये एक ब्रेड, ये दूसरी ब्रेड, बीच में कुछ ऐसा हिस्सा जो सैंडविच में बीच में डाला जाता है, और इस प्रकार की व्यवस्था सैंडविच में होती है। तो डेनियली और डेवसन का भी यही मानना था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सैंडविच जैसी संरचना दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है कि जो अंदर की ये द्वि-आण्विक परत तो जो हमें पहले पहले वाले मॉडल में बताई गई गार्टर और ग्रेंडल के द्वारा, वैसी ही द्वि-आण्विक परत के बारे में डेनियल और डेवसन भी बात कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये क्या कह रहे हैं कि इसमें बाहर की साइड में और अंदर की साइड में प्रोटीन की एक लेयर है, इसके बारे में भी ये बात कर रहे हैं। और ये बताते हैं कि जो आउटर प्रोटीन लेयर है उसकी मोटाई 20 एंगस्ट्रम है, जो यहाँ पे दे रखी है। जो इनर प्रोटीन लेयर है उसकी मोटाई भी 20 एंगस्ट्रम है, और बीच में जो द्वि-आण्विक लेयर है फॉस्फोलिपिड की, उसकी मोटाई इन्होंने 35 एंगस्ट्रम बताई है। इस प्रकार 20 प्लस 20 प्लस 35 मिलकर 75 इसकी मोटाई हो जाती है। सेवेंटी फाइव एंगस्ट्रम इसकी मोटाई हो जाती है। इसमें साथ में हम देखते रहे हैं कि प्लाज्मा झिल्ली के बीच में पोर हैं, इसके द्वारा डेनियल और डेवसन ये बताना चाह रहे हैं कि प्लाज्मा झिल्ली में पदार्थों का आवागमन होने के लिए कुछ स्थान है, उनसे होते हुए पदार्थों का आवागमन हो जाता है। तो डेनियल और डेवसन का यह सैंडविच मॉडल है। नेक्स्ट जो मॉडल है वो रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया, और इन्होंने बताया कि जैसे पूर्व में सैंडविच मॉडल दिया गया है, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना तो वैसी ही होती है सैंडविच मॉडल के अनुसार, लेकिन इन्होंने एक बात और बताई, वो बड़ी इम्पोर्टेंट बताई। वो ये बताया कि सभी कोशिकीय अंगकों की जो झिल्लियाँ हैं वो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से समान होती हैं। ये
कि हम किसी भी कोशिकी अंग की झिल्ली देखें, चाहे हम माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी हमें पता है कि दो झिल्लियाँ पाई जाती है, उनकी संरचना भी कैसी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ऐसी लिपिड की जो हमें क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी संरचना देखें, तो उसकी जो बाहर वाली झिल्लियाँ हैं वो भी कैसी होंगी, बिल्कुल जैसा सैंडविच मॉडल दिया गया है। तो इनका कहना ये था कि सभी कोशिका के बाहर वाली प्लाज्मा झिल्ली या सभी कोशिकीय अंगक जिनमें झिल्ली पाई जाती है उनकी संरचना एक समान होती है। तो ये रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल। यह सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है, फ्लूइड मोजेक मॉडल। यह प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को एकदम स्पष्ट रूप से समझा पाया है। इन्होंने बताया कि बिल्कुल जो पहले बताया गया कि फॉस्फोलिपिड की द्विआण्विक लेयर है, वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रोटीन की व्यवस्था वैसी नहीं है जैसी बताई गई है। प्रोटीन बिखरी हुई अवस्था में होता है। हम ये कह सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन रूपी बर्फीले द्वीप हैं, या इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम इंडियन गुलाब जामुन की बात कर सकते हैं, कि हम जानते हैं कि चाशनी के अंदर गुलाब जामुन डूबे हुए हैं, तो वो जो चाशनी है वो फॉस्फोलिपिड है और उसके अंदर डूबे हुए कुछ सतह पे हैं, कुछ अंदर हैं, इस प्रकार की व्यवस्था में कौन है, प्रोटीन है। तो फ्लूइड मोजेक मॉडल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, यही प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को सबसे स्पष्ट रूप से समझाता है। यहाँ पर हम फ्लूइड मोजेक मॉडल को समझते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली है। इस प्लाज्मा झिल्ली में आप देख रहे हैं कि जो सबसे बाहरी लेयर ये दिखाई दे रही है, ये फॉस्फोलिपिड है, ये भी फॉस्फोलिपिड है, और इनके ही अंदर की तरफ ये इस प्रकार जो अंदर की तरफ हमें जो धागे दिखाई दे रहे हैं, दो दो लाइनें सी, ये इसकी टेल वाली पोजीशन है, और ये ऊपर गोल गोल जो दिखाई दे रहे हैं ये फॉस्फोलिपिड के हेड है, ये हेड है, ये हेड है, और ये नीचे की साइड में ये टेल है। हम अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन कहाँ पर है? ये प्रोटीन है जो नीचे से लेके ऊपर तक है, ये प्रोटीन है। हम देखेंगे कि प्रोटीन प्लाज्मा प्लाज्मा झिल्ली में प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन दो रूपों में दिखाई दे रहा है। एक तो पूरी प्लाज्मा झिल्ली की द्विआण्विक लेयर को आर पार करता हुआ ये वाली पोजीशन, कुछ प्रोटीन बिल्कुल ऐसे कम आर पार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये रहा प्रोटीन, ये भी एक प्रोटीन है। तो जो प्रोटीन फ्लूइड मोजेक मॉडल में जो बताया गया कि जो प्रोटीन प्लाज्मा झिल्ली के आर पार निकले हुए हैं या फिर प्लाज्मा झिल्ली से अत्यधिक मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे प्रोटीन को प्लाज्मा झिल्ली से अलग करना आसान कार्य नहीं होता। कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा झिल्ली की बिल्कुल सरफेस पर इस प्रकार जुड़े हुए हैं, ये वाले प्रोटीन, ये और ये, जिन्हें आसानी से प्लाज्मा झिल्ली से सेपरेट किया जा सकता है। तो जिन्हें आसानी से सेपरेट किया जा सकता है उन्हें नाम दिया गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। ये प्लाज्मा झिल्ली की अंदर वाली सतह पर या बाहर वाली सतह दोनों पर हो सकते हैं। और कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जिन्हें आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, वो कहलाती हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो हमें ये बात समझ में आई। इसके साथ हम देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली की जो बाहरी सतह है, आउटर फेस है, उस साइड में प्रोटीन के साथ, ये प्रोटीन है इसके साथ, या किसी लिपिड के साथ ये कार्बोहाइड्रेट की साइड चेन जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार ये ग्लाइको लिपिड और ग्लाइको प्रोटीन का निर्माण करती हैं।
ये इसकी संरचना होती है जो हमें समझ में आई है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि फोस्फोलिपिड किस प्रकार के हैं। फोस्फोलिपिड की बात करें हम तो यह कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक है और झिल्ली का संरचनात्मक ढांचा बना रहा है। हमने बात कर ली, बिल्कुल ये चाशनी की तरह, ये मैट्रिक्स है। यह कोशिका झिल्ली को तरलता प्रदान कर रहा है। जो इम्पोर्टेंट फोस्फोलिपिड हैं वो कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। फोस्फेटाइडिल सेरीन, फोस्फेटाइडिल कोलीन, स्फिंगोमाइलिन, ये कुछ नाम हैं, हमें याद करने होंगे क्योंकि ये फोस्फोलिपिड्स के टाइप्स हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली के फोस्फोलिपिड के नाम हो गए। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली के प्रोटीन की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा झिल्ली के प्रोटीन्स हमने बात कर ली थी, दो भागों में बांटा जा सकता है। एक इंटीग्रल प्रोटीन है और एक पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। जो इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं ये झिल्ली से आसानी से पृथक नहीं कर सकते, हमने बात कर ली। जो पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं उन्हें आसानी से पृथक कर सकते हैं क्योंकि ये परिधि पर पाए जाते हैं और दोनों सतहों पर देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम देखेंगे केवल अंतर्वेशी प्रोटीन की बात करते हैं। जो अंतर्वेशी प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन जो है ये दो प्रकार के हैं। कुछ तो ऐसे जो पूरी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसे हुए हैं और कुछ ऐसे जो आंशिक रूप से धंसे हुए हैं। जो प्रोटीन पूरी मोटाई में उपस्थित होती है उसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है और जो पूरी मोटाई में नहीं होते वो आंशिक रूप से धंसे हुए हैं। तो चाहे आंशिक रूप से धंसे हुए हो या पूरे तरीके से धंसे हुए हो, लेकिन वो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग नहीं की जा सकती है आसानी से, इसीलिए अंतर्वेशी प्रोटीन कहते हैं। तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये क्या काम करेंगी, ये प्लाज्मा झिल्ली में ऐसे पदार्थों को आर पार जाने के लिए मदद करेंगी जो जल में घुलनशील हैं। तो ये टनल, चैनल, पंप, पोरिंज इत्यादि का निर्माण करते हैं। जल में घुलनशील पदार्थों को जाने के लिए मार्ग प्रदान करने की क्या आवश्यकता है, हमें पता है जल में कौन से पदार्थ घुलनशील होंगे, वो पदार्थ जिनमें ध्रुवता होगी, और जिन पदार्थों में ध्रुवता नहीं होगी वो पदार्थ प्लाज्मा झिल्ली, हमने शुरुआत में बात की थी, अब इस प्रकार की संरचना बन रही है। आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा जो बीच का है, ये वाला हिस्सा प्लाज्मा झिल्ली का किसका बना है, ये टेल से बना है, फोस्फोलिपिड की टेल से। ये टेल कैसी होती है, जल विरोधी होती है। जल विरोधी होने के कारण ये ऐसे पदार्थों को अपने अंदर से आर पार नहीं जाने देगी जो जल में विलेय होते हैं। तो ये किन पदार्थों को आराम से जाने देंगे, ये उन पदार्थों को जाने देंगे, ये जो फोस्फोलिपिड की टेल वाला रीजन है ये अपने अंदर से आर पार उन पदार्थों को जाने देंगे आसानी से जिनमें ध्रुवता नहीं हो, यानी अध्रुवीय प्रकार के पदार्थ हों। और इसीलिए ध्रुवीय पदार्थों के आने जाने के लिए ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स टनल का निर्माण कर रही हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब जो परिधीय प्रोटीन है इन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। इनमें से कुछ में एंजाइम क्रियाशीलता पाई जाती है, ये कोशिका पहचान में भी सहायता करते हैं। जे प्लाज्मा झिल्ली की बाहरी सतह पर जो ग्लाइकोलिपिड हैं और ग्लाइकोप्रोटीन है उनके रूप में, ये कैसे करते हैं अभी हम देख लेते हैं। इसको हम दोबारा देखते हैं कि इसकी जो साइड चैन है, ये यदि ये लिपिड से जुड़ी होगी, कार्बोहाइड्रेट की साइड चैन है ये, यदि ये लिपिड से जुड़ी होंगी तब तो हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड,
उस लिपिड के साथ, और यदि ये प्रोटीन से जुड़ी होंगी तब हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ये कोशिका की बाह्य सतह पर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं बाह्य सतह पर? इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनका मुख्य कार्य बाह्य सतह पर ही है। ये कोशिका को पहचानने में मदद करते हैं। ये कोशिका पहचान से संबंधित हैं कि एक कोशिका दूसरी कोशिका को आसानी से पहचान सके। हमारी कोशिकाएं अपने आप पहचान लेती है कि ये भी एक ही कोशिका, एक ही शरीर की कोशिकाएं हैं। ये क्षमता किसके कारण आती है? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के कारण। इसी के कारण एक ही जाति के अंडे तक, उसी एक जाति के अंडे तक उसी जाति का शुक्राणु ही अटैच हो सकता है। जो दूसरी जाति के होंगे वो नहीं जुड़ पाएंगे। क्यों नहीं जुड़ पाएंगे? क्योंकि कोशिकाएं आपस में पहचानती हैं इनके माध्यम से, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के माध्यम से एक दूसरे को पहचानती हैं। अब प्लाज्मा झिल्ली के कार्यों की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य क्या हैं? सुरक्षात्मक कवच। प्लाज्मा झिल्ली एक सुरक्षात्मक कवच है कोशिका का। इससे इसके कारण कोशिका के अंदर अनचाहे पदार्थ नहीं आ पाते। कोशिका के आकार का नियंत्रण करता है। कोशिका कहाँ तक है? जहाँ तक प्लाज्मा झिल्ली कवर किए हुए है वहीं तक तो कोशिका होती है। तो इसके आकार का नियंत्रण किए हुए है। कोशिका उद्दीपन प्राप्त करती है, आसपास की कोशिकाओं से उद्दीपन प्राप्त करेगी। इसीलिए तो कोशिकाओं को आपस में पता लग पाता है कि हाँ पास वाली कोशिका है वो संक्रमित हो गई है, उसमें कोई रोगाणु आ गया है। दूसरे अन्य कार्यों में बात करें, पदार्थों का परिवहन, इसके अलावा कोशिका वमन और फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, ये प्लाज्मा झिल्ली के कार्य हैं जिनको अभी हम देख लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा परिवहन, परिवहन इस टॉपिक को देखते हैं। मान लो ये तीन मॉलिक्यूल हैं जिनको प्लाज्मा झिल्ली के आर पार जाना है, मतलब प्लाज्मा झिल्ली को पार करना है और कोशिका की इस आंतरिक सतह पर, इसको ये कोशिका की आंतरिक सतह मान लो या बाहरी सतह, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमें ये समझना है कि प्लाज्मा झिल्ली को पार करना है कुछ पदार्थों को। तो यदि ये पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ आए तो सामान्य विसरण के द्वारा यह आर पार जा सकता है। लेकिन यह ऐसा कब कर पाएगा? यह ऐसा तभी कर पाएगा जब यह पदार्थ, ये वाला पदार्थ कैसा हो? नॉन पोलर होना चाहिए। नॉन पोलर होगा, अध्रुवीय होगा, तभी यह पदार्थ कोशिका झिल्ली से आर पार जा पाएगा। क्योंकि यहाँ पर मौजूद जो फॉस्फोलिपिड की टैल हैं वो उसको तभी आर पार जाने देंगी जब ये पदार्थ कैसा होगा? अध्रुवीय, अध्रुवीय प्रकार का पदार्थ होना चाहिए। दूसरा, यदि यदि ये पदार्थ ध्रुवीय है, ध्रुवीय है तो वो इस प्रकार आर पार नहीं जा सकता है। उसको पार करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होगी। विसरण हो रहा है, पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रहा है, लेकिन सीधे नहीं जा सकता, उसको किसी चैनल से होते हुए जाना पड़ेगा। तो ऐसी जो प्रोटीन होती हैं वो चैनल प्रोटीन कहलाती हैं। ये एक प्रकार की ट्रांसमेम्ब्रेनल प्रोटीन्स होती हैं। तीसरा जो तरीका है उसमें हम देखेंगे कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। इसमें विशेष प्रकार के जो विलेय पदार्थ हैं उनको आर पार जाने के लिए कुछ विशिष्ट प्रोटीन हैं जिन्हें कैरियर कहा गया है। ये भी ट्रांसमेम्ब्रेनल प्रोटीन होती हैं। इनके माध्यम से डिफ्यूजन हो जाना, विसरण हो जाना, हम देखेंगे, देखते हैं इसमें कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव क्यों है? क्योंकि इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ जा रहे हैं। लेकिन इससे उल्टा हो, यदि किसी मटेरियल को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ भेजना पड़े तो जो कैरियर प्रोटीन है वो तभी काम करेगी जब उसको कुछ एनर्जी मिल जाए या एटीपी मिल जाए। तो हमें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ये समझ में आया है।
हमने डिफ्यूजन को समझ लिया, ये प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा परिवहन की पूरी व्याख्या हो गई। धन्यवाद।